शाइस्ता पर यूपीएसटीएफ के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। अभी भी अशरफ के ससुराल हटवा के आसपास ही है शाइस्ता परवीन। 25 अप्रैल को भी हटवा में ही पुलिस ने की थी छापेमारी और ऐसा माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि अभी भी अशरफ के ससुराल हटवा के आसपास ही शाइस्ता परवीन की मौजूदगी हो सकती है। तो इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट है, 25 अप्रैल को भी हटवा में पुलिस ने छापेमारी की थी। शाइस्ता परवीन फरार है और इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि 4 दिन पहले शाइस्ता तक पहुंच गई थी प्रयागराज की पुलिस। ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट है, पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गई। हालांकि शाइस्ता परवीन पुलिस के पहुंचने तक ही वो अपनी लोकेशन छोड़ चुकी थी। अशरफ के ससुराल के आसपास दिखी थी शाइस्ता परवीन और ऐसे में पुलिस वहां पहुंची थी। बुर्का पहनी महिलाओं ने पुलिस को घेर लिया था, जिस वजह से शाइस्ता परवीन वहां से बच निकली। ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट है जो आपके सामने रख रहे हैं। अशरफ के ससुराल के आसपास ही दिखी थी शाइस्ता परवीन। 25 अप्रैल को पुलिस इस लोकेशन पर पहुंची भी थी, लेकिन बुर्का पहनी महिलाओं ने पुलिस को घेर लिया और इसी का फायदा उठाकर शाइस्ता परवीन फरार हो गई। एक और बड़ा अपडेट हमें ये मिल रहा है वो ये, पुलिस के पहुंचने से पहले मस्जिद से अनाउंसमेंट की गई थी। महिलाओं को घर से निकलने की अनाउंसमेंट की गई थी बाकायदा मस्जिद से। महिलाओं की वजह से पुलिस आगे नहीं जा सकी। महिलाओं की भीड़ का फायदा उठाकर शाइस्ता परवीन एक बार फिर से फरार हो गई। तो बाकायदा मस्जिद से अनाउंसमेंट कर तमाम महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अपील की गई थी, ये बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। और बुर्का पहनी महिलाओं ने शाइस्ता के फरार होने में उसकी मदद की। तो ये दो बड़ी खबरें आपके सामने हम रख रहे हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गई शाइस्ता परवीन। अशरफ के ससुराल के आसपास शाइस्ता दिखी थी। और दूसरा बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है कि बाकायदा मस्जिद से अनाउंसमेंट कर महिलाओं को घर से बाहर निकलने को कहा था, इसी का फायदा उठाकर शाइस्ता परवीन फरार हो गई। 25 अप्रैल को जब पुलिस की टीम अशरफ के ससुराल हटवा पहुंची तब TV9 की टीम भी वहीं मौजूद थी। संवाददाता पुनीत ने पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद किया, आपको दिखाते हैं उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फरार चल रही शाइस्ता परवीन और माफिया अशरफ की पत्नी जैनबा फातिमा, उसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली कि हटवा इलाके में ये लोग छुपे हुए हैं। ये पूरा कछार इलाका है और इसी के बगल में ही ये पूरे घर बने हुए हैं। लेकिन पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो यहाँ पर जो पुलिस टीम है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं आगे की तरफ जो भीड़ है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो कहा जा सकता है कि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो ये सर्च ऑपरेशन हटवा जो गांव है वहाँ चलाया जा रहा है। पुलिस की कई टीमें मौजूद हैं। सवाल यही है कि आखिर किस घर में छुपे होने की सूचना जो है पुलिस को मिली है, क्योंकि पुलिस लगातार एक एक घरों को तलाश रही है और जितने लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनके जानने वाले जो परिजन बताए जा रहे हैं अशरफ के, और तमाम वो लोग उन लोगों को तलाशने की कोशिश की जा रही है और सर्च ऑपरेशन इस गांव में लगातार जारी है। ये सीधे तौर पे तस्वीरें TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव आप तक ये दिखा रहा है। आप देख सकते हैं फोर्स जो है ये मौके पे मौजूद है और एक एक घर को खंगाला जा रहा है। चेक किया जा रहा है कि जिस घर में पुलिस को सूचना मिली थी आखिर उस घर में फरार चल रही शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा ये मौजूद हैं कि नहीं। हमारे संवाददाता विनय रघुवंशी की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, जो बता रहे थे किस तरीके से पुलिस के हत्थे चढ़ते चढ़ते शाइस्ता परवीन बच गई। विनय, इस वक्त किस तरीके का माहौल उस इलाके में है, क्योंकि माना जा रहा है कि आखिरी लोकेशन उसकी हटवा ही बताई जा रही है जहां से फरार होने में कामयाब हो गई शाइस्ता? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये हटवा इलाका ये वही इलाका है जहाँ पर अशरफ का ये ससुराल हुआ करता था और यहीं पर ही जो जैनब फातिमा है यानी कि अशरफ की जो पत्नी है और जो फरार चल रही लेडी डॉन यूपी की शाइस्ता परवीन, ये दोनों लोगों की लोकेशन जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं बल्कि प्रयागराज के हटवा इलाके में ही छुपी हुई है और ये दोनों लोग यहीं पर ही छुपे हुए हैं, जिसके बाद 4 दिन पहले पूरा मुक्ति की जो टीम है उपेंद्र प्रताप सिंह की टीम वो यहीं पर ही पहुंची थी और पहुंचने के बाद चारों तरफ से इस गांव को घेराबंदी किया गया था। पुलिस को जो सटीक सूचना मिली थी कि जो ये जो घर है ये अशरफ का ही बहुत करीबी और इनके जानने वाले रिश्तेदार है, उन्हीं के घर पे ही ये लोग छुपे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो ये जो घर इलाका जो पूरा गांव का है ये एक दूसरे के घर से कनेक्ट है,
ये आपस में एक दूसरे के घरों की जो बाउंड्रियां हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट है। इन लोगों ने यहाँ से दूसरे घर के में छुपने का जो प्रयास है वो किया, जिसके बाद जो वहीं पर ही जो इस गांव का इलाके में जो बना हुआ मस्जिद है वहीं से एक अनाउंसमेंट होता है कि पुलिस की जो सर्च ऑपरेशन जो टीम है वो यहां पर पहुंच गई है। लगातार एक एक घरों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके बाद पूरी जितना बुर्का पहनी हुई जो महिलाएं थी इस गाँव की वो धीरे धीरे करके उस गलियों में आने लगी, जिन गलियों में जो पूरा मुफ्ती और तमाम जो सर्च ऑपरेशन चलाने वाली जो टीम थी उनके नजदीक आने लगी। पुलिस कंफ्यूज हो गई कि हालांकि इनमें से इतना बुर्का पहनी हुई महिलाओं में से आखिर कौन सी वो महिला है जिसकी तलाश में पुलिस टीम यहां तक पहुंची हुई है, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। पुलिस को चकमा देने के लिए भी प्लानिंग जो है वो पूरी तरीके से की गई थी।